हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरा 21 डेज चैलेंज का 9th डे है। और देखिए, अभी माही की ऑनलाइन क्लास जस्ट ख़त्म ही हुई है, तो अभी मैं कर रही हूँ अपना जीएस का पोर्शन। अभी मैं ल्यूशन की बुक में से थोड़ा हिस्ट्री का पोर्शन कर रही हूँ। आपको तो पता है मैं काफ़ी दिन से जो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में स्पेशली DSSSB में GS में पूछे गए हैं वो कर रही थी, तो वहाँ मैंने यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। जब हमारा हिस्ट्री का पोर्शन लगभग फिनिश होने वाला होता है, वहाँ लास्ट में बिल्कुल शॉर्ट में दिया गया है, पॉइंट टू पॉइंट कुछ मेन बातें बताई गई हैं, जैसे कौन सा युद्ध कौन से राजा के बीच में हुआ था, कब हुआ था और किसने वो जीता था। इसी तरीके से राजधानी के बारे में, राजवंश की स्थापना किसने की, उसकी राजधानी क्या थी, ये सारी बातें यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट दी गई हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसीलिए आज मैं यहाँ से एक टॉपिक कंप्लीट कर रही थी और उसे मैंने कम से कम दो बार और रिवाइज किया साथ के साथ। तो इसीलिए मैं आपसे भी यही कहूँगी, ये पोर्शन को ज़रूर करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। अभी मैं सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट में भी जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे बार बार एक ही बात के लिए कमेंट कर रहे हैं कि मैं पेपर वन के लिए कौन सी बुक को फॉलो कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पहले भी आपसे ये बात शेयर की है, आज एक बार फिर से बता देती हूँ, मैं किसी एक बुक को फॉलो नहीं कर रही हूँ। आपको पता है वहाँ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, तो एक बुक से सारा का सारा सिलेबस अच्छे से कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। जिस बुक के बारे में आप पूछ रहे हैं वो सेक्शन ए के लिए जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी एक अलग से बुक है। आप किसी भी अपनी लोकल बुक शॉप से उसे परचेज कर सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं। बस मैं वहाँ से ये देखती हूँ कि लास्ट टाइम हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर्स में DSSSB के, और उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए के दिए गए हैं, यानी कि जो जर्नल पेपर होता है के लिए कॉमन होता है उसके क्वेश्चन वहां दिए गए हैं, तो उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करती हूं वहां से। बाकी जो मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूं पार्ट ए के लिए वो अलग अलग से हर सब्जेक्ट के लिए कर रही हूं। और मैंने पहले एक वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर किया है कि आप किस तरीके से पार्ट ए के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और मैं भी उसी मेथड को फॉलो करने वाली हूं, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हर एक वीडियो में बार बार वही सेम बातें रिपीट करना भी अच्छा नहीं है, इसीलिए आप चाहें तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर मेरे पास कोई न्यू सोर्सेज होगा जिन्हें मैं फॉलो करूंगी और जो कि हेल्पफुल रहेंगे, वो मैं आने वाले टाइम में आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। अभी आपको तो पता है जो इलेक्शन होने हैं उनकी डेट अनाउंस हो गई है, तो इसीलिए उससे पहले जो हमारा एग्ज़ाम है वो शायद पॉसिबल नहीं है, तो उसके बाद ही हमारा एग्ज़ाम होगा। लेकिन फिर भी आप कोशिश यही कीजिएगा कि इलेक्शन से पहले पहले आप अपना सारा का सारा सिलेबस कवर कर लें, ताकि जब भी हमारा एग्ज़ाम होगा इलेक्शन के बाद, उस टाइम पे जितना भी टाइम हमारे पास है वो सारा का सारा हम रिवीजन में और मॉक टेस्ट में यूज़ कर सके, ताकि हमें हमारे वीक पॉइंट्स के बारे में पता चले और हम टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है एग्ज़ाम में उसे बहुत अच्छे से समझ पाएं। और जितनी भी मेरी हाउसवाइफ फ्रेंड्स हैं या जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मौका हमारे लिए बहुत बड़ा मौका होने वाला है। आप अपनी तैयारी को ये समझ के कीजिए कि ये मौका हमारे लिए लास्ट चांस है, बिल्कुल इसके बाद हमें कोई चांस मिलने वाला ही नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए ये लास्ट चांस होगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक सीट चाहिए है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आप देख सकते हैं कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा हाई होने वाला है, और DSSSB का एग्ज़ाम लेवल बहुत ही अच्छा आता है। आप पिछले जो एग्ज़ाम हैं उनको उठाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और जितनी भी मेरी हाउसवाइफ फ्रेंड्स हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज चाहती हैं तो इस मौके का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा लीजिए। इसे आप अपनी लाइफ का आखिरी और सबसे बड़ा मौका अगर समझ के तैयारी करेंगी, तो आप जितने भी घर के काम हैं उन सभी से अपने लिए पढ़ाई के लिए टाइम भी निकाल पाएंगी और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से भी कर पाएंगी। इसीलिए अब सोचना आपको है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी अब सोचने का टाइम ही नहीं है, अब कुछ
करने का टाइम है। आपको अगर अब भी अपने आप को बहाने देने हैं, अपनी पढ़ाई को स्किप करने के बहाने ढूंढने हैं, तो वो चॉइस आपकी है। लेकिन अगर आप इस टाइम को वेस्ट करेंगी तो आने वाली लाइफ आपकी सेम ही रहने वाली है। लेकिन अगर आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगी, इस मौके का फ़ायदा उठा लेंगी, तो हो सकता है आने वाली लाइफ आपकी बिल्कुल चेंज हो जाए। आप जो चाहती हैं वो सारे के सारे आपके ड्रीम सच हो जाएं। और सपनों को सच करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सपने बैठे बैठे पूरे नहीं होते हैं। उनके लिए हमें मेहनत करनी होती है, दिन रात एक करना होता है, आपको तो पता है। अगर आप आराम कर रही हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेम पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सब पढ़ रहे हैं, और आप उस टाइम को वेस्ट कर रही हैं रेस्ट करने में। तो अब आप सोचिए कि लाइफ चेंज किसकी होगी, उनकी जो लोग मेहनत कर रहे हैं, या उनकी जो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं रेस्ट करने में। रेस्ट करना सबको ही पसंद है, लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और अगर बिना मेहनत के हम किसी अच्छे रिजल्ट की आशा करते हैं तो वो आपको भी पता है हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो में से कोई भी बात आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू।